मदीना गिफ्ट सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नाज़रीन, कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसके हर आयत किसी मौजज़ा से कम नहीं है, बस हमें उसको समझने की जरूरत है। नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ हैरत अंगेज साइंसी हकायक के बारे में बताऊंगा जो कुरान मजीद में मौजूद है। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ उस वक्त ये हकायक दरियाफ्त भी नहीं किए जाते थे और न किसी ने ये पूछे थे, और साइंस आज उन्हें साबित कर रही है। साइंस हो, माशियात हो या तारीख, जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर चलने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें कोई सीधा रास्ता न दिखाया हो। कुरान मजीद महज एक दीनी और मजहबी किताब नहीं है, ये मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। आइए कुरान मजीद के कुछ दिलचस्प हकायक में से एक हकायक का इस्तफादा हासिल करते हैं। नाज़रीन, माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद साइंसदानों ने बहुत सारी रिसर्च की और उनको बहुत सारे मसाइल आते रहे। वो दिन ब दिन उस पर मेहनत करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उनकी मेहनत कामयाब हुई और अपने मकसद में वो लोग कामयाब हुए। तो इस बात को साबित किया कि हर जानदार के खुलिए का 90% हिस्सा पानी से बना है। ये साइंस ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में दर्ज किया कि हर जानदार के खुलिए का 90% हिस्सा पानी से बना है। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद ने यह बात 1450 साल पहले ही कह दी थी। आइए कुरान मजीद से इस बात का जिक्र सुनते हैं। पारा 70वां, सूरह अंबिया, सूरत नंबर 21, आयत नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहु जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया, वजअलना मिनल मा कुल्लु शैइन हय अफला युमिनून, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई तो क्या वो ईमान न लाएंगे। नाज़रीन, हर जानदार चीज को पानी से बनाने से क्या मुराद है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने अलग अलग और मुख्तलिफ अकवाल अपने लिखे हैं। पहला कौल, इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला ने पानी को जानदारों की हयात का सबब बनाया। और दूसरा माना इस तरह से बयान है कि हर जानदार पानी से पैदा किया हुआ है। और तीसरा माना ये है कि पानी से मुराद यहाँ पर नुतफा है, और रब आखिर में कहता है फला युमिनून, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। इससे मुराद यह है कि क्या वो ऐसा नहीं करेंगे कि इन दलाइल में गौर व फिक्र करें और उनके जरिए उस खालिक को जान लें जिसका कोई शरीक नहीं है और शिर्क का तरीका छोड़कर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। नाज़रीन, ये कुरान मजीद के मौजज़ात हैं कि कुरान मजीद की एक एक आयत में जो चीजें छुपी हैं जिसको आज तमाम सेक्युलर और मुलहिद मुफक्किरीन उस पर रिसर्च करके ईमान भी ले आते हैं। आपने सैकड़ों ऐसे साइंसदान के वाकयात सुने होंगे जो कुरान मजीद की आयतों से अपनी साइंस को अखज करके और उनकी हकायक को जानकर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। कुर्बान जाए हम दीन इस्लाम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको प्यारा दीन अता फरमाया जिसमें जिंदगी गुजारने के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व ताला फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।